हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं अपनी वोकैब सीरीज़ में 9th वीडियो। इससे पहले हमने 8 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, जो कि आप हमारे चैनल BEH क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियो को पसंद कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लंडर। क्या वर्ड है हमारे पास? ब्लंडर। देखो, ब्लंडर क्या होता है? ब्लंडर का मतलब होता है कि कुछ भी एक ऐसी एरर या फिर कुछ भी मिस्टेक जो कि बहुत बड़ी एरर है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ब्लंडर बोलेंगे। तो सिनोनिम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? एरर, स्टूपिड मिस्टेक, यानी कोई भी स्टूपिड मिस्टेक। एक रूल होता है ब्लंडर के लिए कि कभी भी नाउन में यूज़ होता है, बिग ब्लंडर यूज़ नहीं कर सकते, बिग ब्लंडर नहीं होता, ये बोलना सुपरफ्लुअस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है? बिग मिस्टेक। और अगर हम बोलते हैं बिग ब्लंडर, इसका मतलब होगा बिग बिग मिस्टेक, जो कि बोलना गलत है। इसलिए बिग ब्लंडर कभी भी नहीं होता, क्या होता है? ओनली ब्लंडर होता है। तो सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? बंगल होना कुछ भी, एरर होना, फॉल्ट होना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? बॉबल, बॉबल होना, क्लैंगर भी बोल सकते हैं, क्लैंगर, या फिर हम कह सकते हैं स्टंबल। ठीक है, यानी कुछ भी मिस्टेक, फॉल्ट, एरर, बॉबल, क्लैंगर और स्टंबल, इन सब का मतलब क्या होता है? सभी का मीनिंग होता है कुछ भी बड़ी गलती। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी, यानी जिसमें पूरी की पूरी एक्यूरेसी है, सब कुछ ठीक है। करेक्शन, सेंटेंस यूजेस देखते हैं। कहता है हैविंग अ कंप्यूटर पार्टनर ऑल्सो मीन्स नेवर हैविंग टू वरी अबाउट मेकिंग अ टेक्टियल ब्लंडर। कहता कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर पार्टनर है, तो आपको कभी भी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि आपसे कभी ब्लंडर हो जाएगा, यानी आपसे कभी भी कुछ गलती हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज ब्लर्ट। क्या वर्ड है? ब्लर्ट। ब्लर्ट करना क्या होता है? जब आप कुछ भी बोल रहे हैं और आपसे के मुंह से कुछ और निकल जाता है ना, स्प्लटरिंग हो जाती है, यानी कुछ भी आपकी जबान लड़खड़ा जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? ब्लर्ट करना। क्या करना? ब्लर्ट करना। तो सिनोनिम्स मीनिंग क्या हो जाएगा? कहता अटर इम्पल्सिव, इम्पल्सिवली फॉर्म नर्वसनेस और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में या फिर नर्वसनेस में जब हमसे कुछ गलत बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लर्ट। बेसमझे बुझे कुछ कहना, यानी बिना समझ के कुछ बोल देना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? बैबल करना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? गैबल करना, बैबल, गैबल। हम जैबर भी बोल सकते हैं, चैटर करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम स्पल्टर भी बोल सकते हैं, SPULTER, स्प्लटरिंग करना, यानी कुछ भी जुबान का लड़खड़ा जाना। तो बैबल करना, गैबल करना, चैटर करना, जैबर करना, स्प्लटरिंग करना। तो सेंटेंस में क्या बोलता है? एंटोनिम्स हो जाएगा इसका कीप क्वाइट, यानी चुप रहना। सेंटेंस में बोलता है पार्टिसिपेंट्स ब्लर्ट आउट एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो जितने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते थे, जितने आइडियाज को ब्लर्ट कर सकते, स्प्लटरिंग कर सकते थे, उतने आइडियाज उन्होंने हमें दिए। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लस्टर। क्या वर्ड है? ब्लस्टर। देखो, ब्लस्टर करना क्या होता है? कि अपने आप में बहुत ही ईगो वे में अपने, या फिर एक इगोटिस्ट बिहेवियर रखना, यानी आप अपनी जो भी आपके हैं, कुछ भी आपके पास पोजेशंस है आपकी, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बताना, या फिर कुछ नॉइजी वे में बोलना, उसको बोलेंगे ब्लस्टर करना। तो कहता ब्लो इन हैवी गस्ट्स, स्पीक इन अ नॉइजी और बुलिंग मैनर। या तो किसी को डांटने के लिए जोर से बोलना, या फिर किसी के लिए डिंगे मारना, शेखी बगारना कि मेरे पास ये है वो है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लस्टर करना, बोस्ट करना एक हम बोलेंगे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्लफ करना, बोस्टिंग करना, ब्रैग भी बोल सकते हो, ब्रैगिंग करना, बम्बास्टिक स्टाइल में बोलना, यानी कुछ बहुत बड़े लेवल पे, मतलब कुछ ऐसी बातें बोलना जो कि आप शेख ही मारना कुछ उस तरह से बम्बास्टिक स्टाइल में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ग्रैंडीलोक्वेंट। ग्रैंड मतलब बड़ा और लोक्वेंट मतलब बोलना, तो ग्रैंडीलोक्वेंट, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीलोक्वेंट। ठीक है, ग्रैंडिलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, बम्बास्टिक, ब्रैग वर्ड हमने किया है, ब्रैगिंग या फिर ब्रैगडोसियो, यानी क्या करना? कुछ बड़े वे में बोलना। हम इसको वो भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? रेंट, RANT, रेंट, या फिर पोम्पस, शेखी मारने वाले को पोम्पस, फ्लैटुलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या सिनोनिम्स हमने देखे? ब्लफ,
बॉस्टिंग, ब्रैगिंग, बम्बास्टिक, ब्रैगडोसियो, ब्रैगिंग, पॉम्पस, रैंट, फ्लेटुलेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, यानी एक बड़े लेवल पे या फिर कुछ शेखी मारते हुए कुछ बोलना। एंटोनिम्स में बात करता है ह्यूमिलिटी, यानी आप बिल्कुल ह्यूमिलिटी रखते हो, मीकनेस है आपके अंदर, सर्विलिटी है यानी नौकरशाही या फिर दबे रहते हो, अपने आप में ज़्यादा शेखी नहीं मारते। सेंटेंस में बोलता है इवन टेम्पर्ड विदाउट ब्लस्टर ही वॉज अप्रोचेबल एंड रूल्ड बाय अ शॉट फ्रॉम हिज डार्क आई, कहता वो इवन टेम्पर्ड था यानी कभी भी वो गुस्से में नहीं आता था, विदाउट ब्लस्टर कभी भी ना तो शेखी मारता था और ना ही गुस्से में बोलता था, ही वॉज अप्रोचेबल, उसको अप्रोच किया जा सकता था, और रूल्ड बाय अ शॉट फ्रॉम हिज डार्क आईज, अपनी आईज के द्वारा ही रूल्ड होता था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉगस, क्या वर्ड है हमारे पास बॉगस, देखो बॉगस का मतलब क्या होता है, जो रियल में नहीं है, ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट नहीं है यानी जो नकली है, आर्टिफिशियल है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बॉगस। तो कहता क्या वर्ड, काउंटरफिट, काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, जालसाजी, डॉक्यूमेंट्स में होती है ना जालसाजी, यानी आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जालसाजी की काउंटरफिट करना, नॉट ऑथेंटिक, कोई चीज ऑथेंटिक नहीं है, इंटेंशनली फॉल्स, जो कि क्या है, गलत जान के गलत की है। तो क्या सिनोनिम्स हुए, सिनोनिम्स हमारे पास हुए आर्टिफिशियल, डमी, फेक, फॉल्स, फिक्शियस यानी जो नकली है, फोर्ज, फोर्जरी बोलते हैं, फोर्जरी का भी मतलब मीनिंग क्या होता है, जालसाजी करना, फोर्जरी तो फोर्ज है, फ्रेडुलेंट है यानी जिसमें क्या हुआ है, कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है, इमिटेशन है, किसी चीज़ की कॉपी है, या फिर हम क्या कह सकते हैं शैम, SHAM, शैम, ठीक है, सिंथेटिक है, नकली है, रियल का नहीं है, सिंथेटिक चीज है। तो क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, डमी, फेक, फॉल्स, फिक्शियस, फॉर्ज, फ्रेडुलेंट, इमिटेशन, काउंटरफिट यानी नकली चीज होना कुछ भी। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑथेंटिक है, रियल है, जेन्युइन है यानी जो चीज सच्ची है। सेंटेंस में बोलता है ही वॉज गेटिंग बॉगस डाटा एंड नो वे टू डिटरमाइन दैट इट वॉज बॉगस, कहता है वो गलत डाटा का, उसको गलत डाटा मिल रहा था और उसको कोई भी ऐसा उसके माइंड में नहीं था, उसको कुछ भी ऐसी नॉलेज नहीं थी कि वो बॉगस है, वो डाटा गलत है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड इज बोहेमियन, क्या वर्ड है, बोहेमियन, देखो मैं इस वर्ड को कैसे याद करती हूँ, बोहेमिया, आपने सिंगर का नाम सुना होगा ना, है ना, यानी वो आजकल के स्टाइल का सिंगर है, वो पुरानी चीजों को फॉलो नहीं करता, तो एक ऐसा पर्सन जो अनकन्वेंशनल इन बिहेवियर है, यानी जो समाज के रूल्स को, जो पुराने रूल्स हैं, रूढ़िवादिता है, रूढ़ि मुक्त है, मतलब ये जो पुराने रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे, बोहेमियन, यानी अनकन्वेंशनल इन बिहेवियर या फिर इन एन आर्टिस्टिक वे, अपने आप में ही एक आर्ट है, स्वेच्छारी, अपनी मर्जी से चलता है, रूढ़ि मुक्त है, पुरानी चीजों को फॉलो या फिर अंधविश्वास को फॉलो नहीं करता। तो सिनोनिम्स में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स में बोलता है आर्टिस्ट है, वही अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलता है, डायल टानते हैं, फ्लावर चाइल्ड है यानी अपनी मर्जी से चलने वाला है, फ्री स्पिरिट है, फ्री है अपने आप में, गिप्सी है, घूमता है वादू आराम से, गिप्सी मतलब जो चारों तरफ घूमता है, वैगाबॉन्ड भी बोल सकते हैं घूमने वाले को, वांडरर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, हिप्पी। तो सभी क्या कहते हैं, एक ऐसा पर्सन जो पुरानी चीजों को फॉलो नहीं करता, अनकन्वेंशनल है बिहेवियर में। तो एंटोनिम्स में बोल सकते हैं, एंटोनिम्स में कहता है कि कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट क्या होता है, आपको आगे बताया हुआ है कि जो हर बात से एग्री कर जाते हैं, यानी पुरानी चीज़ों को भी वो एग्री कर रहा है, कंजर्वेटिव, छोटी सोच रखने वाला, ऑर्थोडॉक्स, पुरानी चीज़ों को फॉलो करने वाले या फिर रूल्स पे अड़े रहने वाला, और पैराडॉक्स, उनको तोड़ने वाला, तो पैराडॉक्स भी इसका सिनोनिम हो सकता है। सेंटेंस में बोलते हैं शान वांट्स टू लिव एन एक्सेंट्रिक बोहेमियन लाइफ विद हिज राइटर फ्रेंड्स, शान अपने राइटर फ्रेंड्स के साथ अपनी एक ऐसी लाइफ जीना चाहता है जो कि किसी के अंडर में नहीं है, पुरानी चीजों को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड वर्ड इज बॉयस्ट्रस, देखो बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज नॉइजी है, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत शोर है, उसको आप क्या बोलोगे, बॉयस्ट्रस है, क्या है वो चीज, बॉयस्ट्रस, तो वायलेंट जो उसमें शोर आ रहा है, रफ टाइप का, नॉइजी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसका सिनोनिम, रॉयस्ट्रस भी बोल सकते हैं, बॉयस्ट्रस से बने, रॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस, रॉयस्ट्रस, वॉयलेंट, रफ, नॉइजी, क्लैमरस भी बोल सकते हैं, देखो क्लैमरस, ब्रॉलिंग, ब्रॉल करना क्या होता है, पब्लिक ब्रॉल होता है ना, लड़ाई वगैरह, तो ब्रॉलिंग, डिसऑर्डरली यानी जो चीज ऑर्डर में सही नहीं है, एफर्वसेंट जो हमेशा ही बाहर की ओर निकलता रहता है, इम्पेटुअस, इम्पेटुअस का मतलब क्या होता है, एक तरह से इम्पल्सिव नेचर का होना, कैसी नेचर का होना, इम्पल्सिव यानी किसी ने कुछ बोला तभी की तभी शोर मचाने लग जाना या फिर तभी की तभी रिएक्शन दे देना, उसको बोलेंगे इम्पल्सिव या फिर इम्पेटुअस। लाउड है, पांडेमोनियम भी बोल सकते हैं हम इसको, पांडे मोनियम। तो क्या सिनोनिम्स हमने देखे,
नॉइजी होना, क्लैमरस होना, पांडेमोनियम होना, ब्रॉलिंग होना, डिसऑर्डरली होना, एफर्वेसेंट होना, इम्पेटुअस होना, या फिर इम्पल्सिव होना, लाउड होना, या फिर रॉयस्ट्रस होना, यानी किसी शोरगुल होना, शोर के जिसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, चुपचाप नहीं है, शांति नहीं है कहीं पे। एंटोनिम्स में बोलता है काम, बिल्कुल जो ठंडा पर्सन है, क्वाइट बिल्कुल ठंडे टाइप का होना, रिस्ट्रेन जो अपने आप में रहता है, दबा रहता है यानी चुप रहता है, साइलेंट है, सीरीन काम, सूद सीरीन, सभी वही सिनोनिम्स हो गए। सेंटेंस में बोलता है दे साइलेंस्ड बॉयस्ट्रस टीनेजर मूव्ड लॉयट्रस अलोंग एंड नॉटेड अनयूजुअल एक्टिविटी, कहता उन्होंने उन टीनेजर्स को जो नॉइजी टीनेजर्स थे, जो शोर कर रहे थे, कुछ भी क्रांति वगैरह कर रहे थे, उनको साइलेंस कर दिया, चुप करवा दिया, मूव लॉयट्रस अलोंग बिना उन मतलब घूम वगैरह के, बिल्कुल उनको क्या कर दिया, मूव्ड लॉयट्रस अलोंग कर दिया एंड नॉटेड अनयूजुअल एक्टिविटी, और जो ऐसी एक्टिविटी जो यूजुअल नहीं है यानी जो गलत एक्टिविटीज हो रही थी उनको नॉट किया। तो उसने क्या बोला, इसने किसका यूज किया, बॉयस्ट्रस का यानी शोरगुल। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज बॉल्स्टर। क्या वर्ड है हमारे पास, बॉल्स्टर। देखो बॉल्स्टर करना क्या होता है, किसी को स्पॉट करना यानी किसी को कुछ स्पॉट प्रोवाइड करना, यानी किसी के लिए आप किसी को रक्षा कर रहे हो या फिर किसी को आप एक सहायता दे रहे हो तो उसको बोलेंगे बोल्स्टर करना। तो क्या सिनोनिम हमने देखा, स्पॉट करना, रेनफोर्स करना क्या होता है, फोर्स हमारी क्या करती है, सहायता करती है, तो रेनफोर्स करना, एड करना भी क्या होता है, सहायता करना, असिस्ट करना भी क्या होता है, सहायता करना, बकअप करना, बकअप करना भी क्या होता है, किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना यानी उसमें सहायता करके कैसे भी करके क्या लाना, इम्प्रूवमेंट लाना, या फिर क्या बोलते हैं बुलवॉक। बुलवॉक आपको याद होगा हमारी पिछली वीडियोज में वर्ड आ चुका है, बुलवॉक का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं फोर्ट्रेस जैसे वर्ड आया था हमारे पास, यानी एक ऐसी चीज जो आपको क्या करती है, स्पॉट प्रोवाइड करती है या फिर जो आपकी रक्षा करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉल्स्टर, एड, असिस्ट करना, बकअप करना और स्पॉट करना, रेनफोर्स करना, बुलवॉक करना, यानी आपको जो स्पॉट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वर्ड इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा हिंडर यानी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, जो आपको स्पॉट प्रोवाइड नहीं कर रही, आपके काम में बीच में नोज पॉक कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, प्रिवेंट करना, अंडरमाइन करना, किसी को कम करवाना, किसी को किसी की पावर कम करना, स्पोर्ट ना देना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, उसको बोलेंगे, इसके एंटोनिम्स में काउंट हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स के लिए मैं आपको एक इडियम बनाती हूँ, बताती हूँ, पॉक नॉज या पॉकर नॉज, नोज पॉक करना यानी क्या करना, अपनी टांग अड़ाना, बीच में अड़चन पैदा करना, इंटरफेयर करना। सेंटेंस में बोलते हैं ही शुड प्रेस रूलर्स टू बॉल्स्टर देयर रेजिमीज बाय रिफॉर्म रेदर देन वायलेंस, कहता है कि उन्हें प्रेस को क्या करना, उन्हें रूलर्स को क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए, क्या करने के लिए, ताकि उनके जो रेजिम्स हैं उनको एक सहायता मिल सके, सिर्फ किसके द्वारा, रिफॉर्म के द्वारा यानी कुछ अच्छे चेंजेस के द्वारा, ना कि वायलेंस के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज बम्बास्टिक। क्या वर्ड है हमारे पास, बम्बास्टिक। देखो बम्बास्टिक वर्ड भी क्या है, अभी हमने किया था ब्रैग करना, बोस्ट करना, ग्रैंडिलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, वही है शेखी मारना। तो कहता है शब्दांबर युक्त यानी जिसमें बड़े बड़े शब्द यूज किए गए हैं, बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए हैं, बड़े बड़े शब्दों से भरा, यूजिंग इनफ्लेटेड लैंग्वेज, बड़ी बड़ी बातें करना। तो पॉम्पस सिनोनिम देख ही लिया हमने, बिग टॉकिंग, यूफ्यूटिस्टिक, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रैंडिलोक्वेंट, सेम वही वर्ड, मैग्नीलोक्वेंट, बोइस्ट्रस, ब्रैगिंग करना। एंटोनिम्स में क्या बोलता है, वही हमने देखा था ना, ह्यूमिलिटी, हम्बल, क्वाइट, रिजर्व, रिस्ट्रेंट, यानी जो ज्यादा नहीं बोलता, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। सेंटेंस में बोलता है देयर वर बम्बास्टिक स्पीचेस बाय पार्टी मेंबर्स डिफाइंग देयर लीडर्स ऑर्डर ऑन विच वे टू वॉट, कहता है कि पार्टी के मेंबर्स के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई, बम्बास्टिक स्टाइल में स्पीचेस दी गई, डिफाइंग देयर लीडर्स ऑर्डर्स, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपने लीडर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, डिफाई करना यानी फॉलो करना, ऑन विच वे टू वॉट, कि कैसे वोट्स को लिया जाए या फिर कैसे वोट के उस वोट के दौरान बातें की जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बून, बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, वरदान यानी क्या बोल सकते हैं, ब्लेसिंग, बेनिफिट, समथिंग वेरी हेल्पफुल, जो आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, बेनिफेक्शन है, आपके लिए अच्छा है। देखो आपको पिछली वीडियोस में वर्ड बताया था बैने, बैने वर्ड कहीं पर भी आ गया वो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, और एम ए एल ई मेले वर्ड कहीं पर आ गया तो वो क्या होगा आपके लिए, बैड के सेंस में यूज होगा। तो बेनिफेक्शन अच्छा काम, बेनिफिट, बेनेवोलेंस, ब्लेसिंग, कॉम्प्लीमेंट, गिफ्ट यानी जो चीज आपके लिए अच्छी है, एड, एड भी बोल सकते हैं, असेट भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स में बात करें डिसएडवांटेज, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सेंटेंस में बोलता है दिस वर्क प्लेस इज नॉट ओनली पोटेंशियली हैप्पियर, इट कैन बी अ बोन टू द इकोनॉमी, कहता है कि यह वर्क प्लेस ना सिर्फ आपको खुशी देगा बल्कि आपकी इकोनॉमी के लिए भी एक वरदान है।
नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं यार। नेक्स्ट वर्ड इज बुरिश। बहुत अच्छा वर्ड है बुरिश भी। बुरिश का मतलब होता है जो अपने बोलते हैं ना सभ्य नहीं है, असभ्य लोग हैं, यानी जिनको पता ही नहीं है कि बोलने का स्टाइल क्या है या फिर किसी से हमें कैसे बिहेव करना है, उनको कुछ भी नहीं पता, बोलेंगे बुरिश टाइप के हैं। तो क्या बोलते हैं, रूड होना, बिल्कुल इनसेंसिटिव होना, आपको पता ही नहीं कि आपको कैसे बोलना है। बैड मैनर्ड है, यानी जिसमें मैनर्स अच्छे नहीं है। कैंटेंक्रस, हमारे पास वर्ड आ चुका है कैंटेंक्रस, लड़ाईखोर है ना। चर्लिश बिहेवियर क्या है, अच्छा बिहेवियर नहीं। अनकाउथ है, काउथ का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल अच्छे टाइप से बिहेवियर, वेल मैनर्ड है। और अनकाउथ मतलब जो अच्छा बिहेवियर नहीं रखता। अनसोफिस्टिकेटेड बोल सकते हैं, अन सोफिस्टिकेटेड, यानी जो पर्सन क्या है, जो पर्सन लड़ाईखोर है, या फिर जो पर्सन हम बोल रहे हैं कि हम्बल नहीं है, जो रूड वे में बिहेव करता है, जिसको किसी के लिए बोलने का नहीं पता, यानी बैड मैनर्ड है। तो एंटोनिम्स में क्या बोलते हैं, चार्मिंग है, जो अच्छा पर्सन है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो। कल्चर्ड है, यानी जिसको सब हर बात का पता है। एक्साइटिंग है, अच्छे नेचर का है। पोलाइट है, हम्बल है। रिफाइंड है, सुधरा हुआ पर्सन है। सोफिस्टिकेटेड है, यानी जिसको सारी चीज़ों की नॉलेज है। सेंटेंस में बोलते हैं, बाई योर एक्शंस यू शो दैट यू डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट एंड दैट यू आर ऑफेंस अनकल्चर्ड एंड बुरिश। कहता है कि बाई योर एक्शंस, तुम्हारे एक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा शो होता है, ऐसा पता लगता है कि यू डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट, कि तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। एंड यू आर ऑफेंसिव, आप बहुत बुरे हो, बहुत अनकल्चर्ड हो और बहुत बुरिश हो। तो सभी के सिनोनिम्स ही हैं ये भी, ऑफेंसिव होना, अनकल्चर्ड होना, अनकाउथ होना, अनसोफिस्टिकेटेड होना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड इज बाउंटीफुल। क्या वर्ड है, बाउंटीफुल। देखो बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी अबंडेंट है, तो आप बोलोगे बाउंटीफुल है। कैसे याद करें बाउंटीफुल को, छोटे होते बंटे खेले होंगे है ना, बंटे हमारे पास क्या होते थे, बहुत सारे होते थे, पॉकेट्स भरी होती थी हमारी। तो बाउंटीफुल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। तो क्या बोल सकते हैं, जेनरस यानी कुछ ज़्यादा ही है, ग्रेशियसली जेनरस यानी बहुत मात्रा में होना। एम्पल का मतलब मात्रा में, प्लेंटीफुल या फिर प्लेंटी का मतलब मात्रा में होना। कॉपियस, कॉपियां ही कॉपियां जिसकी, वो भी बोल सकते हैं। एग्जुबरेंट का मतलब ही क्या होता है, काफ़ी सारा होना या फिर काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़े लेवल पे होना। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी सारा। कॉर्नुकोपिया भी बोल सकते हैं हम, कॉर्नुकोपिया, ठीक है। अबंडेंट भी बोल सकते हैं, अबंडेंट। तो क्या सिनोनिम्स हमने देखे, एम्पल, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, कॉपियस, कॉर्नोकोपिया, प्रोफाउंड, अबंडेंट, एग्जुबरेंट यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होना। एंटोनिम्स में क्या बोलते हैं, इनसफिशियंट, जो चीज पर्याप्त नहीं है आपके लिए। लैकिंग, कमी होना। मीजर, मीगर, कम होना। स्पार्स का मतलब ही क्या होता है, कमी होना किसी चीज की। सेंटेंस में बोलता है, द थैंक्स गिविंग डिनर टेबल वॉज सेट बाउंटीफुली विद ऑल काइंड्स ऑफ डिलीशियस डिशेस। कहता है कि वो जो डिनर टेबल था वो कैसे था, उसको सेट किया गया था बाउंटीफुली, यानी पूरी तरह से बहुत ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट वे में था, उसमें सारी डिलीशियस डिशेस, यानी जो भी डिशेस थी वो काफी सारी मात्रा में थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉर्जियस। क्या वर्ड है, बॉर्जियस। बॉर्जियस का मतलब क्या होता है कि मिडिल क्लास, एक ऐसी क्लास जो मध्यम वर्ग है, यानी जो ज़्यादा रिच नहीं है उसको हम बोलते हैं बॉर्जियस। या फिर एक ऐसी क्लास जिसके लिए पैसा मैटर करता है, कैपिटलिज्म बेस्ड है, जो मेटेरियलिस्टिक बेस्ड है, यानी सेल्फिशली मेटेरियलिस्टिक, यानी जिसके लिए पैसा मैटर करता है, उसको हम बोलेंगे बॉर्जियस। तो सिनोनिम्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे, फिलिस्टाइन, वही जो आर्ट या फिर मेटेरियलिज्म या कैपिटलिज्म पे डिपेंड है, कॉमन है, कंजर्वेटिव टाइप का है, कन्वेंशनल टाइप का है, यानी पैसा बेस्ड है। तो एंटोनिम्स में क्या बोलते हैं, एडवेंचरस, जो बिल्कुल जिसके लिए पैसा नहीं है, एडवेंचरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेटिव है, इंस्पायर्ड है, ओरिजिनल है, किसी पैसे या मटेरियलिज्म पे बेस्ड नहीं है, अनट्रेडिशनल है। सेंटेंस में बोलते हैं, शी थॉट ऑफ हर सेल्फ एज अ बॉर्जियस, उसने खुद को मटेरियलिस्टिक डिपेंड सोचा कि मैं मटेरियलिस्टिक डिपेंड हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।